उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है फरवरी के अंत तक उत्तराखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है, उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी तेज हो चुकी हैं। वहीं वित्त सचिव अमित नेगी का कहना है कि बजट को लेकर सभी विभागों के प्रस्ताव वित्त विभाग के पास आ चुके हैं, साथ ही दो राउंड की मीटिंग भी विभागों के साथ की जा चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जल्द अब बजट को लेकर आम जनता की राय लेंगे, जिनको बजट में शामिल किया जाएगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वहीं वित्त सचिव अमित नेगी का कहना भी है कि बजट को लेकर सभी विभागों के जो प्रस्ताव है वो भी वित्त विभाग के पास आ चुके हैं। तो ऐसे में जल्द से जल्द जो बजट है प्रदेश का 2020 और 21 सत्र का, वो पेश किया जा सकता है। वहीं इसमें यह भी है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बजट के अंदर आम जनता की राय लेंगे, वो आम जनता की परेशानियों को समझेंगे और उनकी राय लेंगे, उनका मशवरा लेंगे और उसको बजट में शामिल किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस पूरे कार्यक्रम में और कितना समय लगेगा और बजट प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या सामने निकल कर आती है। फिलहाल तो बड़ी खबर यही है कि उत्तराखंड विधानसभा के बजट को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही बजट तैयार हो सकता है और पेश हो सकता है। फरवरी के अंत तक पेश करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि फरवरी के अंत तक 2020 और 21 का बजट पेश किया जाएगा। वित्त विभाग के पास सभी विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो सामने आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर है, उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं माना जा रहा है कि फरवरी के अंत तक उत्तराखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 का बजट पेश किया जाएगा। वित्तीय सचिव अमित नेगी का कहना है कि बजट को लेकर सभी विभागों ने वित्त को अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं, साथ ही दो राउंड की मीटिंग भी विभागों के साथ की जा चुकी है। अब देखना होगा कि कब बजट सामने आएगा और इस बजट में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि प्रदेश की जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। जनता को उम्मीद है कि इस बजट से शायद इस वित्तीय वर्ष में महंगाई कम हो और भी कई ऐसे जो वादे हैं सरकार के द्वारा वो पूरे हों। अब देखना होगा कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के इस बजट में क्या कुछ देखने को मिलता है।